द मच अवेटेड शो ऑफ द ईयर बिग बॉस 8 इज अबाउट टू बी एयर और इसके प्रोमोज को लेकर जहां ऑडियंस में काफी एक्साइटमेंट है तो वहीं इसके हैंडसम और डैपर एंकर सलमान खान को देख कई लड़कियों के दिलों की धड़कनें थम जाती हैं और सलमान को देख एक ही आवाज आती है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा तेरा ही जलवा। जी हाँ, जलवा ही तो है सल्लू मियां दिखाने आ रहे हैं बिग बॉस 8 के साथ। आइए फिर आपको लिए चलते हैं बिग बॉस सीजन के नई एविएशन थीम लॉन्च पर, जहां सलमान ने लगाए ठुमके लड़कियों के संग। देखिए यहां पर। वैसे जहां हर सीजन में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है तो वहीं सलमान होंगे इस सीजन के कैप्टन, जो लीड करेंगे 12 फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को। और इसी के चलते लोग सलमान से शो के बारे में कुछ अटपटे सवाल भी पूछ रहे हैं, जिनके जवाब देने के बारे में सलमान ने कुछ यूं कहा। It's that time of the year again. Come September, come Big Boss, come Salman Khan. देखो यार, हमारे प्रोमोज देखकर लोग बहुत क्यूरियस हो गए हैं और मुझसे भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। सेफ फ्लाइट, कुछ लोग इस फ्लाइट में भी थे जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा है। सवाल ये है तेरे सवालों का जवाब दूंगा गा से अरे गाता रहे। बिग बॉस के शो में अंताक्षरी खेल रहे, कमाल है। विमान देखकर कोई लोगों ने पूछा कि प्लेन का क्या चक्कर है, व्हाट इज दिस प्लेन का चक्कर। आई सेड वेरी प्लेन एंड सिंपल मैन, इज इट क्या बिग बॉस के बाहर अब्रॉड में शूट होने वाला है? आंसर है हाँ। हमारे पास इस बार कलर्स के पास इतना बजट है कि हम फॉरेन में जाएंगे और इंडोर शूटिंग करेंगे। वी विल ट्रीट फॉरेन एज लोनावला। आइए अब आपको मिलवाते हैं एंडी से, जो कि पिछले सीजन में शो का हिस्सा तो थे ही और साथ ही इस बार उन्होंने इसका फिर से हिस्सा होने की जिद की सलमान से। एंडी, पिछला सीजन भूल चुके हैं ये लोग, अभी 8 में आए, इन 8। नहीं, पर मुझे फिर से जाना है। लेकिन आप कोई इनको समझाओ कि एक बार जो घर से बाहर निकाले जाते हैं उनको घर में अलाउड नहीं है। एक मिस्टेक हो गई थी लास्ट टाइम, वो मिस्टेक वापस से रिपीट नहीं करेंगे। गस से हाँ, गुमनाम है कोई? वाह, मैं तो बड़े नाम वाला, आप भी नाम वाले। गुमनाम है कोई? नहीं, गुमनाम मैं नहीं हूँ। एंडी, आपको घर में जाना है? हाँ, वापस आप जाओ, अभी जाओ, निकेतन हाँ। वहाँ पे आपका इंतजार कर रहा है, आप और वो 20th को बाहर निकल आओ। Not a problem. लगता है सलमान और मुंबई के फोटो जर्नलिस्ट की अब तक सुलह नहीं हुई है, तभी तो वो सलमान के इस इवेंट से गायब रहे। देखिए जब उनसे जर्नलिस्ट ने फोटोग्राफर्स को मिस करने के बारे में पूछा। फोटोग्राफर्स को मिस किया कि नहीं किया? है ना, सिर्फ चार ही है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे घुटनों पे लेके आए वो। सलमान, दे माइट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग, तो डू यू फील कि आप कुछ उनके बारे में कुछ? देखो मैंने तो उनको नहीं बोला, देखो मैंने तो उनको नहीं बोला ना। हम भी चाहते हैं कि वो लोग भी चाह रहे हैं। या बट आई हैव नॉट स्टॉप देम, दे हैव सेड दैट दे हैव बैंड मी एंड दे हैव नेवर टेक अ पिक्चर ऑफ माइन। आई एम फाइन विद दैट इफ दे आर फाइन विद इट, बट इट्स अ गुड स्टैंड दे हैव टेकन। यार, इट्स अ वेरी लवली स्टैंड दैट दे हैव टेकन। What is wrong with the stand? I don't understand that. अगर किसी ने एक स्टैंड लिया हो कि वहां हम सलमान की तस्वीर नहीं खींचेंगे तो उसमें नुकसान सिर्फ सलमान का ही होगा, बिकॉज दे गॉट द होल इंडस्ट्री स्टार्स टू शूट, सो दे शूटिंग जस्ट अबाउट एवरीबडी। बट देन इफ दे गोइंग टू कम
to take pictures of mine, then they have to do it quietly, aram se, respectfully. It cannot become like machhi market there. सलमान को शायद पीके फिल्म से ज्यादा हैप्पी न्यू ईयर फिल्म की प्रमोशन का वेट है, तभी तो पीके के बारे में पूछे जाने पर भी हैप्पी न्यू ईयर पर ही पहुंच गए। कुछ दिनों पहले आमिर खान ने बोला कि लास्ट सीजन में आप धूम 3 वाली कैप लगाते थे क्योंकि वो लगाए थे। करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर का प्रमोशन करेंगे। आई थिंक ये सब हैप्पी न्यू ईयर के पीआर टीम से जुड़े हुए हैं कि ऑलरेडी उनका प्रमोशन हमने स्टार्ट कर दिया। हर सवाल के अंदर ये आता है कि हैप्पी न्यू ईयर की टीम आएगी, तो क्यों नहीं आएंगे भाई, वो डिसीजन उनका है, लेकिन पीआर वर्क एक्टिविटी शुरू कर दी गई है। सलमान करने की जरूरत नहीं, हम वैसे ही कर रहे हैं। मेरा सवाल आमिर खान से रिलेटेड था, हैप्पी न्यू ईयर से नहीं था। आमिर खान ने बोला कि पिछले साल वो धूम 3 वाली कैप लगा करके घूमते थे, तो आप भी उस प्रॉप को यूज करते हैं। इस बार मैं पीके घूमूंगा, चलो प्राइम मिनिस्टर के साथ। उन्होंने बोला था ट्रांजिस्टर मैंने इसीलिए लगाया कि सलमान लगाएगा। He said that. आजकल आमिर आईपॉड के साथ घूम रहे हैं। ट्रांजिस्टर बिक गया। यही नहीं, सलमान ने तो संजय दत्त को इस सीजन में बिग बॉस का इनमेट होने के बारे में भी कहा। मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग पर्सन है संजय दत्त, उनको वहां से निकाल के यहाँ से डाल, यहाँ पे डालें तो इट बी द बेस्ट थिंग एवर। बट ये गारंटी है कि ही विल से कि नहीं भाई मुझे वापस से वहां पे डाल दो। सो ये तो था सलमान का जलवा एविएशन थीम को लॉन्च करने का, और अब आगे सीजन में ये किस तरीके से अपना जलवा दिखाते हैं ये आप सब 21 सितंबर से देख ही सकते हैं। इंटरमीडिएट से हलीम कौर, 10i न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।